Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Finally, I'm making the video on sunscreen. काफी time से delay चल रहा था. I know मेरी बहुत audience पक भी गई थी because मैंने बहुत time से बोला हुआ था कि मैं sunscreen पे एक video बनाने वाली हूँ. मैं काफी time से बहुत सारी sunscreen try कर रही थी, test कर रही थी, notes बना रही थी और बहुत सारी हो गई थी मेरे पास यार. एक video में उन सबको accommodate करना थोड़ा सा lengthy भी हो जाता है, boring भी हो जाता है. तो मैंने इस video को दो parts में divide कर दिया है. आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ physical sunscreen के बारे में. तो आज मैं जितनी भी sunscreen आपको feature करूंगी they are all from physical sunscreen category. इनके अंदर physical filters डले हुए हैं और next time future में आएगी chemical sunscreens के ऊपर video. So आप जो भी तरह की sunscreen लगाना prefer करते हो आपको दो अलग अलग videos मिल जाएंगी. And just in case you are completely unaware कि physical sunscreen क्या होती है, chemical sunscreen क्या होती है, मैं आपको quickly एक समझा देती हूँ. दो अब ये study भी कहीं ना कहीं fail मानी जाती है because जैसे जैसे स्किन केयर में भी स्टडीज होती रहती है ना, पुरानी बहुत सारी चीजें मिथ हो जाती हैं, फिर लोग उसको भी कहीं ना कहीं गलत बता देते हैं. सो अभी मैं इसको 100% ये नहीं बोलूंगी, डोंट कोट में ऑन दैट कि ये इसकी डेफिनेशन है. लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का फर्क, आपको यही मिलेगा कि जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है वो एक शील्ड बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर, एक लेयर बन जाती है और कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करती है सन रेज को, वो अंदर नहीं जाने देती. दैट्स हाउ फिजिकल सनस्क्रीन वर्क्स. वेयर एज केमिकल सनस्क्रीन जो होती है उनके अंदर केमिकल फिल्टर्स डाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को, उसको हीट में कन्वर्ट करती है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. केमिकल फिल्टर्स इसलिए भी कहीं ना कहीं रिस्की माने जाते हैं बिकॉज अगर वो केमिकल फिल्टर अच्छा नहीं हुआ, हार्मफुल हुआ, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, आपको बहुत सारे कैंसर एंड इश्यूज भी दे सकता है. इसलिए हमेशा केमिकल सनस्क्रीन लेते टाइम आपको चेक करना चाहिए कि आप कौन सा केमिकल फिल्टर यूज कर रहे हो. उस सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज हम सोनली फिजिकल सनस्क्रीन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. तो अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव, आपकी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, आई थिंक फिजिकल सनस्क्रीन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू बिकॉज इट सेंसिटिव स्किन पीपल को ब्यूटीफुली सूट करती है. आज की वीडियो में आपको एक काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी विद सम गुड ऑप्शन फॉर ऑल स्किन टाइप में ड्राई, एक्ने प्रोन, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सबको एक एक सनस्क्रीन सजेस्ट करने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज बनाने में, नोट्स बनाती हूँ, रिसर्च करना होता है, ट्राई करना होता है, खुद पर रिस्क करना होता है खुद को. सो एक हल्का सा 5 सेकंड का टाइम लगता है सब्सक्राइब बटन पर हिट करने में, बेल आइकन पर हिट करके ऑल पर टिक करने में, सो दैट यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. और फ्यूचर में जो वीडियोज आएंगे और जो पहले मेरी वीडियोज होंगी उसको भी आप इजिली देख सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सनस्क्रीन नंबर वन इज लिटरली माई फर्स्ट फिजिकल सनस्क्रीन इन माई लाइफ. इनफैक्ट ये मुझे PR में आई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने YouTube वीडियोज बनाना शुरू किया था एंड मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने पूरे एक डेडिकेटेड YouTube वीडियो भी बनाई थी. वो बाटा कोलैबोरेशन था, वो स्पॉन्सर्ड भी नहीं था. मैं नीचे लिंक कर दूँगी वीडियो, आप जाकर देख सकते हो अगर आपको पूरे एक डेडिकेटेड वीडियोज के ऊपर देखनी है. ये है जेड ब्लॉक 25% जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन जेल. जेड ब्लॉक जो है ये उसी ब्रांड की है जिसका सेबो जेल भी आता है, एथिकेयर रेमेडीज ये जो ब्रांड है. ये 25% जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन जेल अपने आपको क्लेम करती है, ये जेल नहीं है. आई डोंट नो व्हाई सनस्क्रीन जेल क्यों लिख देते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसा लिखा हुआ है जेल, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जेल ही नहीं है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी वेलवेटी स्मूथ टेक्सचर इसका फील होता है. इट्स नॉट वेरी रनी, एकदम थिक वाला इसका टेक्सचर है जो बिल्कुल प्राइमर जैसा फील होता है. इसमें सिलिकॉन काफी ज्यादा अमाउंट में है तो आपको फील होगा आपका स्किन एकदम अल्ट्रा से स्मूथ हो जाएगी इसको लगाते ही. सो अगर आप कहीं ऑफिस जाते हो, आप कहीं पे भी मीटिंग्स होती है या फिर आप कहीं भी काम पे जाते हो, आप थोड़ा बहुत मेकअप करना प्रेफर करते हो तो ये सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट है. इसको जो आप लगाओगे ना आपको प्राइमर की नीड पड़ेगी नहीं. इसके ऊपर डायरेक्टली आप कॉम्पैक्ट पाउडर, कंसीलर, फाउंडेशन जो लगाना चाहते हो लगा सकते हो. ये मैंने कॉलेज टाइम में काफी यूज करी है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी. एक अच्छी कोटिंग देती है स्किन को जैसे फिजिकल सनस्क्रीन देती है, कोई व्हाइट कास्ट नहीं आती, कुछ भी हैवीनेस फील नहीं होती. इफ आई टॉक अबाउट स्किन टाइप, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है. मैं बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए भी नहीं बोलूंगी बिकॉज फिर वो मैट फील देती है ना वो सिलिकॉन वाला, वो शायद ड्राई स्किन को सूट नहीं करेगा. लेकिन कॉम्बिनेशन से ऑयली स्किन वालों के लिए ये एकदम परफेक्ट है. इसके बैक डिटेल्स में लिखा हुआ है जेड ब्लॉक कंटेन जिंक क्लियर आई एम द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव जिंक ऑक्साइड इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अप्रूव्ड बाय ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इकोसर्ट. ये सिल्की स्मूथ नॉन ऑयली मैट फिनिश देता है विच इज डेफिनेटली ट्रू. इसके एकदम वेल्वेटी स्मूथ एक फील आती है. इसके क्लेम्स में लिखा है ये नॉन कॉमेटोजेनिक है, नो एनिमल टेस्टिंग, प्रेजर्वेटिव फ्री है विच इज बैड, प्रेजर्वेटिव होने चाहिए तो इसलिए आपको इसको जल्दी जल्दी यूज करना पड़ेगा. काफी ब्रांड जो अपने आपको प्रेजर्वेटिव फ्री बना देती है ना वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है बिकॉज अगर आप उसको बहुत लंबे टाइम तक रखोगे प्रोडक्ट खराब होने का चांस होता है. सो ये वाटर रेजिस्टेंट है, 80 मिनट्स तक आपको वाटर से प्रोटेक्शन देती है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट होती है. सो अगर आप स्विमिंग करते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो वाटर स्पोर्ट्स में तो आप ये लगा सकते हो, 80 मिनट्स तक आपको ये बचाएगी. पेट्रोलियम फ्री है, नो व्हाइट पैचेस, नॉन ओपेक, डेफिनेटली इसी कोई व्हाइट कास्ट नहीं आती. आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी भी थोड़ी सी डस्की सांवला कॉम्प्लेक्शन है. ये कोई इतना व्हाइट कास्ट नहीं देता, बहुत जल्दी ये ब्लेंड हो जाती है स्किन में. एंड ये पैराबेन फ्री है और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है. इसकी पैकेजिंग पे कहीं नहीं लिखा बट ये डेफिनेटली फ्रेग्रेंस फ्री है बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स पे कहीं मुझे फ्रेग्रेंस दिख नहीं रहा है. और इसकी हल्की सी पंजेंट स्मेल आती है विच
फील्स वियर्ड बिकॉज काफ़ी जो प्रोडक्ट होते हैं ना जो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं उसमें इंग्रीडियंट्स की अपनी कुछ अजीब स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल खराब नहीं है, जस्ट दैट ये फ्रेगरेंस फ्री है ना तो इतनी प्लीजिंग स्मेल नहीं करती, बट ओवरऑल आई लाइक इट। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज फ्रॉम द ब्रांड ला शील्ड विच इज लाइक द बाप ऑफ ऑल सनस्क्रीन्स बिकॉज मैक्सिम जो सनस्क्रीन की वरायटी है ना वो ला शील्ड ही बनाता है और काफ़ी डर्मैट्स भी ला शील्ड की सनस्क्रीन सजेस्ट करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने कॉलेज टाइम में ला शील्ड की केमिकल फिल्टर वाली सनस्क्रीन यूज करती थी, उसका टेक्स्चर एकदम जेड ब्लॉक जैसा है, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्किन केयर को स्टडी करना शुरू किया, रिव्यूज करना शुरू किया, मैंने बाद में देखा उसके अंदर कितने हार्मफुल केमिकल फिल्टर डले हुए हैं जो हार्मोनल पीसीओएस इश्यूज वाले लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो वो सनस्क्रीन मैंने उसी टाइम यूज करना बंद कर दिया था। अगर आप प्रेफर करते हो फिजिकल सनस्क्रीन ओवर केमिकल सनस्क्रीन, आई वुड से आप ये वाली ले सकते हो ला शील्ड की, ये ला शील्ड फिजिको मैट सनस्क्रीन जेल, अगेन जेल लिखा हुआ है लेकिन जेल इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, ये माइक्रोनाइज 25% जिंक ऑक्साइड है इसके अंदर, एसपीएफ 50 प्लस प्रोटेक्शन है विद PA++ रेटिंग, केमिकल फिल्टर इसमें कोई नहीं डला हुआ बिकॉज ये फिजिकल सनस्क्रीन है और ये 8 आवर्स तक आपको वाटर रेजिस्टेंट रखती है, सो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो तो 8 आवर्स तक ये आपको डेफिनेटली बचा के रखेगी, वाटर प्रूफ है कहीं ना कहीं ये। आई लव द टेक्सचर ऑफ दिस वन, इनफैक्ट ये जेड ब्लॉक से ज्यादा इजिली ब्लेंड होती है, जेड ब्लॉक ना मुझे थोड़ी सी ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट लगी, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, मीन्स आपका टी जोन थोड़ा सा ऑयली रहता है और ये वाला पूरा एरिया ड्राई रहता है, आपको यहाँ पे ब्लेंड करने मुश्किल होती है, गो फॉर दिस वन बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड होती है ना, इसके अंदर भी काफी अच्छा एक सिलिकॉनी इफेक्ट है जो एकदम प्राइमर लाइक फील आपको देता है, लेकिन ये हल्की सी लाइट है एज कम्पेयर टू जेड ब्लॉक। द ओनली कॉन इज आपको भी लगाते हुए भी दिखेगा, मैं हैंड स्वॉच में आपको दिखा रही हूँ, आपको एक ब्लू कलर का टेंट दिखेगा जो आई डोंट नो इसमें क्यों आता है, इसको जब आप अप्लाई करते हो ना ऐसा लगता है आपने कुछ स्काई ब्लू कलर का कुछ लगा लिया, ब्लू ब्लू ही फील होता है, बट जैसे जैसे आप इसको मसाज करते रहोगे स्किन के अंदर वो चला जाता है, वो इतना विजिबल नहीं होता, इसकी भी कोई वाइट कास्ट नहीं है, कोई भी तरह का पाइलिंग या फिर वो पील्स नहीं फील होते हैं, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन में, लगाते ही आपको ना हल्का सा ग्रीसी फील होगा, लाइक मेरी ऑयली स्किन है तो अभी गर्मी में मुझे इसको लगाती ना थोड़ा ग्रीसी फील होता है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है, बट आई कि आफ्टर 2-3 आवर्स नहीं कहीं ना कहीं मैट हो जाती है स्किन के ऊपर, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रीसीनेस या और ऑयलीनेस नहीं देती, इनफैक्ट ये थोड़े थोड़े टाइम बाद मैट होनी शुरू हो जाती है, जो काफी मुझे डिफरेंट लगा कि जब लगाओ तो एकदम ऐसी ग्रीसी लगती है लेकिन थोड़ी देर बाद मैट हो जाती है, सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, अगेन अगर आप ऑफिस गोइंग हो कॉलेज गोइंग हो 50 SPF आपके लिए परफेक्ट है, प्राइमर लाइक फील है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हो। ऑल्सो वन कशिका ज्ञान राइट है, आप कोई भी अगर ऐसी सनस्क्रीन लगाते हो जिसके अंदर फिजिकल फिल्टर होते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन काफी हाई होता है, मेक श्योर रात को सोने से पहले आप डबल क्लेंजिंग कर रहे हो, खाली फेस वॉश से काम नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी जो लड़कियां ऐसी सनस्क्रीन ले लेती हैं मेरे रिकमेंडेशन पे फिर मुझे ही बोलती है कि हमें दाने निकल गए, कॉमेडाउन हो गए, आई थिंक सनस्क्रीन से नहीं हो रहा है, आप जो रात को गलत तरीके से रिमूव करते हो ना उससे होते हैं, रात को डबल क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है, ऑयल क्लेंजिंग करो या फिर माइसलर वाटर यूज करो उसके बाद फेस वॉश करो, तभी ये सनस्क्रीन अच्छे से रिमूव होगी आपकी स्किन से, कहीं ना कहीं पोर्स पे ब्लॉक नहीं करेगी। दो मैं आपको जितनी भी सनस्क्रीन दिखा रही हूँ दे आर नॉन कॉमेडोजेनिक, अपने आपको नॉन कॉमेडोजेनिक क्लेम करती है, बट फिर भी आपको रात को अच्छे से डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए ताकि रिमूव हो जाए आपकी स्किन से। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज लिटरली माय फेवरेट एट होम सनस्क्रीन, मैं जब घर पर होती हूँ मुझे कहीं जाना नहीं होता, मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं करना होता, मैं यही सनस्क्रीन प्रेफर करती हूँ स्पेशली विंटर्स में, अब शायद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया बिकॉज अभी मेरी स्किन ना हल्की सी ऑयली बहुत ज्यादा हो जाती है तो मुझे हल्की सी ग्रीसी लगती है, बिकॉज दिस सनस्क्रीन इज वेरी वेरी नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये मैंने विंटर्स में इतनी यूज करी है ना, आई थिंक मैंने फर्स्ट ट्यूब पूरी खत्म कर दी थी और मेरी सेकंड ट्यूब अब हाफ हो गई है, ये है क्योर्स की SPF 30, दिस इज द ओनली सनस्क्रीन आज की वीडियो में जिसका SPF 30 है, इसलिए मुझे घर पे अच्छी लगती है, मैं घर पे अननेसेसरी इतनी हाई SPF नहीं लगाती, हल्की फुल्की सनलाइट आती है वो भी जब मैं छत पे जाती हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो SPF 30 इज मोर देन इनफ फॉर मी, UVA UVB प्रोटेक्शन है, PA++ की इसकी रेटिंग है, इसके अंदर ऑक्सीबेंजोन ONC नहीं है विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज वो केमिकल फिल्टर है तो फिजिकल सनस्क्रीन में क्यों होंगे, इसके अंदर सी बकथॉर्न है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी नरिशिंग, दिस इज द ओनली सनस्क्रीन जिसके साथ आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये मॉइस्चराइजर की सारी नरिशमेंट अपने आप ही दे देती है, सो विंटर्स में काफी बार होता था मैं फेस वॉश करती थी, सीरम लगाती थी और डायरेक्टली लगा लेती थी, मैं अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाती थी, इट इज पैराबेन फ्री, थायलेट फ्री, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक, कोरल रीफ सेफ इसका फॉर्मुला है, क्लियर जिंक ऑक्साइड है इसके अंदर, ऑर्गेनिक सनफ्लावर ऑयल है, सी बकथॉर्न है, देन आई कैन रीड माचा ग्रीन टी है इसके अंदर, एलेंटॉइन है, सो ओवरऑल दिस इज रियली नाइस, इसका जो टेक्स्चर है ना वो आप देख सकते हो एकदम लोशन जैसा टेक्स्चर है, जैसे बॉडी लोशन होता ना तो थोड़ा सा रनी होता है टाइप का, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है स्किन में, अगेन कोई भी वाइट कास्ट इतनी नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगाती है ब्लेंड होने में लेकिन इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं आती विच इज अ गुड थिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर सिलिकॉन नहीं है, ये वो आपको स्मूदिंग वाला इफेक्ट नहीं देगी विच इज गुड, मैं घर पर सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लगाना चाहती, अगर मुझे मेकअप नहीं करना मुझे शूट नहीं करना तो मैं अननेसेसरी सिलिकॉन इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स नहीं लगाना प्रेफर करती, सो दिस इज रियली नाइस फॉर मी, सो सिंस इसके अंदर वो सिलिकॉन नहीं है ये आपको स्मूदिंग वाला पोर फिलिंग वाला इफेक्ट नहीं देगा, इट इज जस्ट अ मॉइस्चराइजिंग सॉर्ट ऑफ एक सनस्क्रीन जो आप ले सकते हो, सो ओवरऑल दिस इज ग्रेट फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रहती है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने के
कहीं ना कहीं रैशेज और रेडनेस होती है, ये सनस्क्रीन आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसका प्राइस पॉइंट है 450 रुपीज़, लेकिन क्योर्स की वेबसाइट पे आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो कशिका 15, विच इज़ एन एफिलिएट कोड, उससे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। मैं इनकी टिंटेड वाली सनस्क्रीन आज का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सिंस वो केमिकल सनस्क्रीन है तो मैं आज उसको फीचर नहीं कर सकती, वो फ्यूचर में आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ माई मोस्ट रिसेंट बाय। रिमेंबर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि सनस्क्रीन की वीडियो डिले हो रही है बिकॉज मैंने कुछ और मंगवाई है। तो जब मैं फिजिकल सनस्क्रीन के ऊपर नोट्स बना रही थी ना, मुझे तब रियलाइज हुआ कि इस लिस्ट में कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन नहीं है, और होनी चाहिए यार, आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है टिंटेड सनस्क्रीन का भी। सो मैंने सर्च किया कि इंडिया में कौन सी अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन अवेलेबल है जो फिजिकल भी हो, 100% फिजिकल सनस्क्रीन हो, तो मुझे यही मिली। यह है रिक्वल की शीयर टिंटेड जिंक सनस्क्रीन, नॉन कॉमेडोजेनिक, ऑल स्किन टाइप के लिए, SPF अगेन 50 है विद PA++ रेटिंग। ये 100% मिनरल सनस्क्रीन है, आपको UVA, UVB एंड इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी देती है। इसमें लिखा भी हुआ है IR प्रोटेक्शन। अगर आपको नहीं पता इंफ्रारेड प्रोटेक्शन क्या होती है, जो स्क्रीन टाइम होता है लैपटॉप का, टीवी का, कंप्यूटर का, आप सारे दिन बैठ के अगर लैपटॉप, टीवी पे या फिर फोन पे बहुत ज्यादा काम करते हो तो आप इंफ्रारेड प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं उससे आपको बचाते हैं। सो ये भी एक जिंक बेस्ड सनस्क्रीन है जो टिंटेड है, और इसका जो टिंट का कलर है ना, इट इज वेरी डिफरेंट टू द काइंड ऑफ टिंटेड सनस्क्रीन जो मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास क्योर्स की केमिकल टिंटेड सनस्क्रीन है, उसका जो टिंट है ना हल्का सा ऑरेंज वाला टिंट आता है। वाई इसका जो टिंट आप देख सकते हो, एकदम न्यूड पिंकी सॉर्ट ऑफ एक टिंट फील हो रहा है, जो आई थिंक फेयर और हल्का सा फेयर से जो कम सांवला कॉम्प्लेक्शन होगा ना उस पर ज्यादा सूट करेगा, बिकॉज ये जो न्यूड कलर है ये ऐसे वाले कॉम्प्लेक्शन पे ज्यादा अच्छा लगता है। बट इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, एकदम फाउंडेशन जैसी ये ब्लेंड होती है, इसकी एकदम मूस जैसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई। मेरे हाथ पे पता भी नहीं चल रहा है मैंने कुछ लगाया है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इशू है ना वाइट कास्ट से, आप कोई भी फिजिकल सनस्क्रीन लेते हो आपको लगता है बहुत ज्यादा वाइट कास्ट आ रही है, मेरा थोड़ी देर बाद फेस एकदम भूत जैसा लग रहा है, यू कैन गो फॉर दिस वन। या आपका स्किन का एकदम कलर अडेप्ट कर लेगी, अजीब भी नहीं लगेगी, आपको हल्की सी कवरेज भी मिल जाएगी, बिकॉज जो टिंट का कलर होता है ना वो थोड़ा सा रेडनेस को कम कर देता है। ऐसा नहीं फाउंडेशन की तरह आपको एक्ने मार्क्स हटा देगा, लेकिन जो एक्ने की रेडनेस होती है, जो थोड़ी सी अनइवननेस होती है स्किन पे, उसको हल्का फुल्का कम कर देता है। सो अगर आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, यू कैन यूज सच टिंटेड सनस्क्रीन, उसके ऊपर लूज पाउडर लगा लो एंड यू आर गुड टू गो, आपको अननेसेसरी मेकअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओवरऑल आई रियली लाइक इट, काफी कंपेटिटिव अच्छा प्राइस इन्होंने रखा है, बिकॉज जब मैं सर्च कर रही थी ना मुझे बहुत महंगी सनस्क्रीन भी दिख रही थी, लाइक एक पिंक फाउंड्री की मुझे दिखी थी जो अगेन टिंटेड थी, फिजिकल सनस्क्रीन थी, लेकिन उसका प्राइस था 1650 रुपीज़। एंड ऑनेस्टली 50 ग्राम उसका भी यही क्वांटिटी थी, 50 ग्राम के लिए मैं 1650 तो नहीं दे सकती, ये वाला प्राइस पॉइंट स्टिल कंपेटिटिव है। इसका अगर मैं स्किन टाइप की बात की जाए, ये ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, मैं एकदम ड्राई स्किन के लिए नहीं बोलूंगी, बिकॉज अगेन इसके एक सिलिकॉनी मैट जैसी एक फील आती है जो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। एक्ने प्रोन के लिए भी एकदम परफेक्ट है बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन है, कोई भी इरिटेटिंग इसमें प्रोडक्ट नहीं है, इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है, दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल, तो आपकी सेंसिटिव स्किन को भी ब्यूटीफुली सूट कर जाएगी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। फाइनली कमिंग टू द लास्ट सनस्क्रीन, जो लिटरली मेरी 2020-2021 की जो एक्ने स्किन केयर मैंने ईयरली फेवरेट किया था, आई थिंक मैंने दोनों साल यही मेंशन करी थी, मैंने सबसे ज्यादा लास्ट प्रीवियस ईयर्स में यही यूज करी है, आई थिंक मेरी 3rd या 4th ट्यूब होगी, लेकिन अब मैंने इसको काफी कम कर दिया है बिकॉज इसमें व्हाइट कास्ट आता था, एंड सिंस मैंने अब बेटर फॉर्मुलेशन ढूंढ लिया जिसमें व्हाइट कास्ट कम आता है, तो अब मैं इसको काफी कम यूज कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, ये है ईक्लैड की यूवी हाइड्रोलाइट फिजिकल सनस्क्रीन, जिंक ऑक्साइड है इसके अंदर, हाइड्रोनिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, एसेंशियल ऑयल है, फ्रेग्रेंस फ्री है। ऑल्सो इसके अंदर मैं इंग्रीडियंट्स में देख सकती हूँ वाइटामिन सी, नायसिनमाइड, हाइलुरोनिक एसिड, शिया बटर। तो अगर आप टीनेजर हो ना, आप अननेसेसरी सीरम्स नहीं यूज करना चाहते, आप कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जिसके अंदर नायसिनमाइड, वाइटामिन सी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट हो, आपको अलग से एक्टिव वाले सीरम्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन टाइप के लिए ज्यादा सेफ रहेगा। अगेन लव दिस वन, बहुत अच्छे से नरिश करती है स्किन को, हाइड्रेट भी कर देती है, जैसे इसका नाम है हाइड्रा लाइट, हाइड्रेशन भी देती है लेकिन लाइट भी आपकी स्किन के ऊपर हैवी फील नहीं होती। बट द ओनली कॉन इज इसमें व्हाइट कास्ट आती है, आई थिंक दिस इज द ओनली सनस्क्रीन मैंने आपको जितनी फीचर करी है जिसमें व्हाइट कास्ट काफी अच्छी आती है, आप जब तक उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना आपका फेस एकदम भूत की तरह हो जाएगा, और अगर आप बहुत जल्दी भी ब्लेंड करते हो सनस्क्रीन तो फिर तो इसको मत लेना बिकॉज फिर ये पील होनी शुरू हो जाएगी। सो इसके फॉर्मुलेशन में वही थोड़ी सी दिक्कत है, बट मैंने विंटर्स में फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा यूज करी है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी। इसका प्राइस भी काफी हाई है, 990 रुपीज की है, लेकिन ईक्लैड की जब भी फ्लैट 40% ऑफ सेल आती है मैं हमेशा कहती हूँ तभी प्रोडक्ट्स लिया करो, मेरा कोड लग जाता है कशिका 40, तो आपको लिटरली फ्लैट 40% ऑफ पे सामान मिलता है, तो 40% के हिसाब से ये बहुत वर्थ इट है।
फ्यूचर में जब भी आएगी मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म करती हूँ, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दिया करो, आपको जितनी भी डील्स मिलती है आपको मेरी वहाँ स्टोरीज पे मिल जाएंगी। तो ओवरऑल दिस इज गुड, अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करते हो सनस्क्रीन लगाने से पहले, यू नो कि आपकी सनस्क्रीन ब्यूटीफुली ग्लाइड होगी आपके ऊपर, तो आप ये ले सकते हो, बिकॉज तब ये इतनी पाइलिंग नहीं देगा, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी भी सनस्क्रीन लगाने वाले हो ना, ये बहुत पाइलिंग देने वाला है। एंड दीज आर माई बेस्ट फिजिकल सनस्क्रीन रिकमेंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके अलावा मुझे पता है और भी बहुत सारी फिजिकल सनस्क्रीन होगी जो कहीं ना कहीं मेरे से मिस आउट होगी होगी। प्लीज अगर आपने वो ट्राई करी है उसका रिव्यू नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालना, जस्ट राइट द प्रोडक्ट नेम, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लिख सकते हो, एक शॉर्ट रिव्यू दे सकते हो, सो दैट जो कोई भी कॉमेंट्स पढ़ रहा है उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। आप भी मेरी हेल्प करो अपना रिव्यू एड ऑन करके। एज अ सेड मैं एक पर्सन हूँ, मैं हर चीज़ नहीं ट्राई कर सकती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम ऑप्शन दूँ, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इजिली परचेज कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टा पे मेरा बहुत अमेजिंग गिव अवे चल रहा है, आप जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और स्टोरीज पे आपको बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिलता है। मैं लिटरली डेली व्लॉगिंग करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, तो मेक श्योर यू आर हुक्ड टू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एज वेल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।